अस्सलाम वालेकुम सब फ्रेंड, ठीक ठाक हैं? आज हम लेके हैं आपके सामने सीलिंग फैन, छत का पंखा। इसकी मोटर बिल्कुल जो है ना, इसकी वाइंडिंग बिल्कुल नकारा हो चुकी है। तो इसकी वाइंडिंग को निकाल कर, कोयले निकाल कर यहाँ पे नई कोयले डालेंगे और नए पेपर डालेंगे। इसके जो पेपर है, हीट होने की वजह से पेपर बिल्कुल जल गए, और पेपर हीट होने की वजह से ये पंखा बॉडी में हरकत कर रहा था और बॉडी शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके कोयल निकाल कर यहाँ पे नई कोयल डालेंगे और नए सिरे से दोबारा न्यू पेपर डालेंगे। तो आप दोस्तों को पेपर डालने का भी तरीका बताएंगे और इसका मुकम्मल वाइंडिंग करके आपको सिखाएंगे। ठीक है, आपको बताया था इसके कोयल ख़त्म हो चुके थे, इसके कोयल निकाल लिए इस पंखे के, तो कुछ पेपर डाल दिए। तो पेपर डालने का तरीका आपको बताएंगे। इसके पेपर मुकम्मल हो चुके हैं और पेपर डालने के बाद अब इसको रिवाइंडिंग करेंगे और वाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे इसके फार्मूले के बारे में, इसके तार गेज के बारे में। तो पेपर अच्छे खूबसूरती से पेपर डालना, पेपर अगर पंखे में अच्छे पेपर डालेंगे तो कोयल भी खूबसूरत तरह से बैठेंगे। तो पेपर साइज़ में काफ़ी बड़ा पेपर नहीं डालें, तो ना छोटा डालें, बस दरमियाने साइज़ में पेपर स्लॉट में डालें, उससे कोयलें की खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इसको वाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे। पंखे की वाइंडिंग मुकम्मल हो गई चुकी है, वो इसके कनेक्शन के बारे में आपको समझाएंगे। ये इसकी चार तारें निकली हुई हैं। तो ये वाली तार जो है ना, ये पिस्टन है, ये रनक और स्टार्टिंग के, ये दोनों सिरे मिला के ये मेन हो गई। ये वाली तार मेन है और ये अंग्रेज जो स्टार्टिंग का कोयल है। ठीक है, ये इसका ये सिरा कैपेसिटर का है। ये चार तार निकली हुई हैं। तो इसके बाद जो हम निकालेंगे स्लॉट से बाहर, जो डीडे निकालेंगे, त्रे तारों में निकालेंगे, ये दोनों मिलाकर एक तार होगी, ये मेन होगी। तो ये दो सिरे कैपेसिटर हो गई, एक तार ये होगी और एक तार ये वाली। तो ये दो तारें मेन होगी, ये तो इस स्लॉट से जो बाहर तारें हम निकालेंगे वो तीन तारें होगी। तो आगे इसको आपको फिट करके सारा तसल्ली के साथ आपको गाइड करेंगे, इसके फार्मूले के बारे में सब आपको इसकी मालूमात देंगे। इसकी तीन तारें निकाल लेंगे तो अब इसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे। ये वाली तार जो है ना, इसके वाइंडिंग में चार तारें थी, अब तीन तारें रह गई। ये वाली तार मेन आ गई और ये दोनों तारें कैपेसिटर आ गई। ठीक है, तो पहले जो दिखाया था उसमें तो चार तारें थी, लेकिन दो तारें मिलाकर ये मेन हो गई, तो ये दो कैपेसिटर हो गई, बाहर जो पंखे में आती हैं तीन तारें। तो इसको आगे जो फिट करके इसको बताएंगे आपको, सब इसकी मालूमात देंगे। ये आप स्पीड इसकी चेक कर रही, कितनी प्यारी स्पीड है ये जो बांटने की आपके सामने।